नमस्कार दोस्तों, मुझे फिल्मों में काम करते हुए करीब 15 साल हो गए हैं और इन 15 सालों में ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब मुझ पर बहुत प्रेशर रहा है कि मैं सोशल मीडिया ज्वाइन करूं। एजेंसी जानते हैं कि ब्रांड्स ये जानते हैं कि अक्सर ऐसे मौके आए जब करोड़ों की डील्स जहां पे सिर्फ एक ही क्लॉज था कि मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, लेकिन मैंने जाने दी है। जो कहा मैं चुड़ैल हूं और मेरे पैर उल्टे हैं, इस बात का फायदा उठाया कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं, मगर फिर भी मैंने कभी सोशल मीडिया पे मैं आई नहीं, क्योंकि मुझे कभी अपने ऑडियंस से वो दूरी महसूस नहीं हुई और मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूं। मैं फिल्मों के जरिए मैंने वुमन एम्पावरमेंट के बारे में इतना कुछ कहा, मैंने नेशनलिज्म के बारे में इतना कुछ कहा, तो मैं आर्टिस्टिक तरीके से कहूंगी, मैं डायरेक्टली ऐसे रूडिमेंट्री वे में क्यों कहूं, मैं तो आर्टिस्ट हूं। तो मेरा हमेशा ये एक इसके बारे में नजरिया रहा है। मगर दोस्तों, इस साल जो मैंने देखा है, मैंने पहली बार सोशल मीडिया की पावर देखी है और मैंने देखा है कि कैसे सारा विश्व एक साथ आके हम सब सुशांत के लिए हम लोगों ने जिस तरह से फाइट किया और उसमें सफलता पाई है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हो गई है। मुझे बहुत आशाएं हैं कि हम सब मिलके इस तरह से जो भी हम न्यू इंडिया के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए इस महीने मैंने सोशल मीडिया पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम ऑन ट्विटर एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड मुझे आपका सहयोग चाहिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी जहां पे इतने सारे अमेजिंग लोग हैं और उनको जानने का मौका मिल रहा है और एक नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट टाइम बींग हियर।